अगला प्रश्न है और मिली जैन ललितपुर से आया है और आपके लिए उन्होंने पूछा है, महाराज श्री आत्म कल्याण हेतु आप किस बात पर बल देते हैं। बोले आत्म कल्याण हेतु बोले किस बात पर बल देते हैं। ध्यान रखिए, आत्म कल्याण करना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है हमारे लिए, यदि हम क्रम से देखते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सप्त विष्णुओं का पहले हमें त्याग करना होता है, क्योंकि जब तक हम सप्त विष्णुओं का त्याग नहीं करेंगे, जुआ खेलना, मांस खाना, वेश्या सेवन, पर स्त्री सेवन, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन आदि करना, जुआ खेलना, ये सब जो है क्या है, सात व्यसन हैं। व्यसन ही क्या, ये तो महापाप है। यदि हमारे जीवन में एक व्यसन भी आ गया तो ध्यान रखिए कल्याण से आप कोसों दूर हैं। पर यदि हम सातवें व्यसन से जो है हम मुक्त हो गए तो आप एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। उसके बाद कहा पांच पाप का त्याग कीजिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये दूसरी आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे। उसके बाद बोल दिया आप कषायों का जो है शमन कीजिए, इंद्रियों को वश में कीजिए, देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाइए। और या आप संक्षेप में गए तो अपने जीवन को संस्कारित करें, अपने जीवन में सत्संगति करें, अपने जीवन में वैराग्य को जो है धारण करें, अपने जीवन में संयम को धारण करें, व्रतों को धारण करें और दिगंबरत को धारण करें, उत्तम तप करें, तभी जो है हमारा आत्मकल्याण हो सकता है, अन्यथा हमारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। ओम।